हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं अपना छोटा सा बालकनी गार्डन के अपडेट करने जा रही हूँ। होप यू ऑल लाइक दिस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने गार्डन में जाने से पहले मेरी पेट रूम में पहले आगे आके देखते हैं, पहले उसको जाने आगे। तो आइए मैं आपको मेरा छोटा सा बालकनी स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो पहला है ये मेरा मॉर्निंग में जो 9 o'clock उसका पौधा है। ये भी अब हो जाएगा इसका फ्लावर, छोटा सा ही रखा है मैंने अभी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरा स्पाइडर प्लांट का, ये भी फुल दे दिया है इसने भी, बहुत सुंदर लग रहा है। और इस पर मैंने एक टोटल वाइन और ये जो दुबो घास है वो भी उग गया है अपने आप। और इसके साइड में है मेरा एक स्पाइडर प्लांट। और स्पाइडर प्लांट के देखिए कितने सारे फूल आ चुके हैं। और इसके ऊपर में नेस्टेडियम एक छोटा सा लगाया था मैंने, अब इसका भी सीजन आउट होने वाली है, पर मैंने इसको ऐसे रख दिया है। और यहाँ पर मैंने अपना तुलसी माता तुलसी प्लांट रखा है, इस बार बहुत अच्छे से हो गया है मेरा तुलसी जी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मेरा तुलसी जी है, बहुत ही सुंदर हरा भरा हो चुका है। और इसके सामने भी एक और ये हमारा पूजा करते हैं, जहाँ पर हम लोग सुबह शाम को धूप जलाते हैं, इस पर सांग बोलते हैं नेपाली से। और ये साइड में भी एक दूसरा तुलसी है, दूसरे टाइप का तुलसी है, इसके बारे में भी आप लोग को दूसरे वीडियो में अपडेट कर दूँगी। और इसके सामने है मैंने अपना पाम का पाम ट्री को लगाया है। ये अभी हरा भरा हुआ तो नहीं है, इसको थोड़ा सा खाद देना ज़रूरी है, तो इसको भी ये बहुत साल हो चुका है। और ये है मेरा मनी प्लांट, इसको भी मैंने न्यू ग्रोथ किया है, सारा पुराना हटा के, तो अभी इतना बड़ा हो चुका है। देखिए मनी प्लांट कितने अच्छे से ऊपर जा रहे हैं। और मनी प्लांट के सामने मैंने दो पंछी रखा है, अच्छे लगता है। ये देखिए इसके ऊपर भी रखा है मैंने दो पंछी, ऐसा लगता है कि रियल है। तो ये भी दूसरा है मनी प्लांट, और इसके दूसरे टाइप का है, देखिए वैसे देखने में तो अच्छा, पर इसका जो पत्ता है अच्छे से आ रहा है, बहुत लंबा लंबा बड़ा सा हो गया है। देखिए कितने अच्छे से हो रहा है, ये बड़ा बड़ा पत्ता है ना, अच्छा लगता है जब मनी प्लांट ऐसे ग्रोथ हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होता है। और ये जो पौधा है मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था एक बार प्लांट, तो छोटा सा था ये, और अभी तो इतना ज़्यादा हो गया है, इसमें पर्पल कलर का फ्लावर्स आ जाता है। अभी तो फ्लावर्स आया नहीं है, जब आएगा फिर मैं अपडेट कर लूँगी। इसके साथ साथ ही मैं इसमें देखिए कितना फैल गया ना। और ये जो है ये मेरा विंटर फ्लावर था, अब इसका भी टाइम ख़त्म हो चुका है, और ये जो इसका है ये सूखने के बाद मैं इसका सीड रखूँगी नेक्स्ट सीजन के लिए। अभी दो कली और निकला है, शायद उसको भी हो जाएगा, ये निकल जाएगा शायद। और ये हो गया मेरा, ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये जावा कुसुम, ये भी बहुत साल हो गया है मेरा, इस बार बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी आ गए हैं, मैं आपको बता दूँगी इसके बारे में भी दूसरी वीडियो में बताऊँगी कि इसको कैसे केयर करेंगे, और कितना फूल ज़्यादा लाने के लिए आपको क्या क्या डालना है, मैं आपको होम रेमेडीज बता दूँगी प्लांट के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने एक सदाबहार का प्लांट लगाया नीचे, और ये जो है मेरा ये वाइट कलर का है पोटलो, सॉरी इसको वाइट कलर का है, ये कौन सा फूल बोलते हैं, मैं आपको बता दूँगी इसके बारे में भी। देखिए बहुत ज़्यादा है। और ये जो है मेरा पुदीना आ गया है, बहुत ज़्यादा इस बार अच्छे से हो गया पुदीना भी, मैंने छोटा सा ही काट के उसके जड़ निकल गया था, जड़ से लगाया था तो इतने ज़्यादा हो गया। और ये जो है मेरा जेट प्लांट,
बहुत पुराना था, वो सारा मर गया पिछले साल, शायद पता नहीं उसको भी कोरोना की वजह से हो सकता है। पर मैंने सोचा फिर मैंने ये दूसरा लगाया नया, और ये मैंने डेट पाम, डेट पाम जो होता है डेट्स होता है, डेट्स का सीड्स जो मेरे घर पे खाते हैं हम लोग, तो उसका सीड लगाया था। तो ये उग गया है, अब देखती हूँ कितना लंबा हो जाए, कितना बड़ा हो जाएगा, पर बहुत टाइम लगता है। और ये नेस्टोडियम मेरा सूख गया है सारा, नेस्टोडियम का नेक्स्ट सीजन के लिए फिर रखना पड़ेगा। ये है मेरा कड़ी पत्ता, न्यू सैपलिंग्स आ गया सारा, ये शीट्स वगैरह आ गया है नया नया, है ना। ये भी कड़ी पत्ता, मेरा कड़ी पत्ता पहले बहुत घना था, फिर बीच में सूख गया तो मैंने उसको कट किया था, तो फिर न्यू आ गया। तो ये जो सामने ये है मेरा जैस्मिन, बहुत इतना अच्छा खुशबू देता है, मैं सुबह सुबह जब भी आती हूँ तो मैं पहले जैस्मिन का खुशबू लेती हूँ। निके कली भी बहुत ज़्यादा बर्शा गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको भी कटिंग करके इसको ज़्यादा घना करने के लिए सोच रही हूँ। ये देखिए, इसके साथ में मेरा मिर्ची भी ग्रोथ हो गया है, और ये सीजनल फ्लावर्स भी हो गया है। ये सारा मिर्ची का पेड़ पौधा है, ये जो सीजनल फ्लावर विंटर का, इसका नाम मुझे नहीं पता पर मैं ढूंढूंगी कहीं से भी। और इसके सामने भी ये देखिए मिर्ची का पेड़ है ना, कितना अच्छे से हो रहा है। इसके बीच में है मेरा छोटा सा स्पाइडर प्लांट, जो मैंने अभी बहुत मुश्किल से इसको बचा के रखी हूँ, क्योंकि ये मर ना जाए, क्योंकि जल्दी मर जाता है स्पाइडर प्लांट, पता नहीं क्यों। और देखिए हो रहा है। और इसके सामने जो है ये भी है मेरा जावा कुसुम, ये वाइट कलर का फ्लावर्स देता है। ये भी बहुत पुराना, बहुत साल हो गया, देखिए इसका कितना सुंदर फ्लावर आ गया है, है ना, इतना सुंदर लगता है इसका, जब हिलता है हवा से तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर सुंदर बर्ड्स आ गया है बहुत। और ये सारा मेरा नेस्टोडियम सूख गया है। उसके सामने जो मैंने लगाया है नीला कलर का फूल होता है, ये बहुत ही लकी प्लांट, गुड लक प्लांट बोलते हैं। इसके बारे में मैं भी आपको अपडेट कर लूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका फ्लावर्स आ जाएगा फिर मैं आपको अपडेट कर लूँगी। बहुत सारा है। ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये पिछले साल लगाया था, अभी तक इसके अच्छे से ग्रोथ हो ही नहीं रहे। ये जो मैंने छोटा छोटा ये सदाबहार का वाइट एंड पिंक कलर का है, ये मेरे छोटा छोटा उग गया है। अब इसको भी मैं बाद में शिफ्ट करूँगी, फिर अच्छे से लगा लूँगी। ये हो गया मेरा सिंगोनियम प्लांट, पुराना था, सबको मैंने दे दिया, सबको बांट दिया, फ्रेंड सर्कल सबको दे दिया, फिर बाद में मेरा ही मर गया, फिर मैंने दूसरा लेके लगाया। और ये जो है ये मेरा जो दार्जिलिंग का चिल्ली होता है, राउंड कलर, रेड रेड राउंड कलर, बहुत ही तीखा होता है, उसके बीच लगाया है। ये रहा मेरा बच्चे, मेरी बेटी और रोमी। मैं जहाँ जाती हूँ बालकोनी में आती हूँ तो बालकोनी में आ जाते दोनों, बहुत ही बदमाश बच्चे, देखिए 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 दोनों जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यही है मेरा बालकनी गार्डन, होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। थैंक यू।